व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग की जो शुरुआत है वो एक मोटो व्लॉगिंग से हो रही है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट ऑफिशियल राइड पे। कहाँ जा रहा हूँ ये मैं रास्ते में आपको चलते चलते बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुके हैं, तो चलते हैं। आज की जो राइड है वो होने वाली है उज्जैन की, महाकाल टेंपल की। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि महाकाल हो आता हूँ, बट मैं जा नहीं पा रहा था। निकलना तो वैसे हम लोगों को 6 बजे था, लेकिन निकलते निकलते 7 बज गई। गाड़ी लेने के बाद पहली बार मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट करूँगा हाईवे पे। अभी तक मैं हाईवे पे गया नहीं था, क्योंकि गाड़ी में एसेसरीज़ नहीं लगी थी, तो ऐसा लग रहा था कि पहले लग जाए एसेसरीज़, उसके बाद फिर निकालता हूँ गाड़ी। ऐसे तो अपन को एक्सपीरियंस है गाड़ी का चलाने का हाईवेज़ पर, और ऑफ रोड भी काफ़ी किया हुआ है, लेकिन नई गाड़ी होती है तो थोड़ा लगता है कि यार सेफ्टी फर्स्ट। तो अभी क्रैश गार्ड वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई है, तो अब टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ का। इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं यार सुबह सुबह पैदल। बारात निकल रही है ये? अरे भाई पूरा शहर है इस बारात में तो। नहीं 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 नहीं, बारात नहीं है। कुछ और है भाई, ये मेरे को लगा था कि पहले बारात निकल रही है, लेकिन बारात नहीं है ये। टाइम हो रहा है 8:05। हम लोग निकलने वाले थे सुबह 6 बजे, लेकिन नींद खुली 6:30 बजे रेडी वगैरह हुए तो 8 बज गई। और ये है इंदौर एयरपोर्ट, अब तो इंटरनेशनल भी बन गया है सामने। सुपर कॉरिडोर वाले रास्ते से भी मैं उज्जैन काफ़ी टाइम बाद जाऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बार मरी माता स्क्वायर से ही जाते हैं, लेकिन सोचा कि सुपर कॉरिडोर पे लेके चलते हैं बाइक को, वहाँ पे टेस्ट भी हो जाएगी बहुत अच्छे से, क्योंकि खाली रोड रहता है और काफ़ी अच्छा रोड बना हुआ है। तो वह हम सुपर कॉरिडोर पे, ये सारा मेट्रो का काम हो रहा है यहाँ पे। बहुत जल्दी 10-12 साल में तो आ ही जाएगी मेट्रो यहाँ पे, जैसे मुंबई में आने वाली है। अभी लास्ट टाइम मैं मुंबई गया था, तो वहाँ से हम लोग गोवा जा रहे थे, तो मुंबई का एक मेरा फ्रेंड था, उससे मैंने पूछा कि मुंबई का मेट्रो का काम कैसा चल रहा है, कब आ जाएगी पूरे मुंबई में मेट्रो। तो उसने बताया क्या कहा, उसने बोला पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन मुंबई मेट्रो का काम चलते रहेगा। मतलब एक सरकास्टिक वे में बोला कि भाई मुंबई मेट्रो का काम नहीं ख़त्म होने वाला, और ये सुपर कॉरिडोर का शायद मेट्रो स्टेशन बन रहा है। हाँ, स्टेशन ही बन रहा होगा, लेकिन इंदौर में ना मुंबई से पहले आ जाएगी मेट्रो, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल सिर्फ आउट आउट एरिया से ही मेट्रो लाइन डल रही है, अभी सिटी के अंदर नहीं है ये लाइन, तो आउट एरिया में तो बहुत जल्दी चालू हो जाएगी, बाकी सिटी में हो सकता है कि काफ़ी टाइम लग जाए, क्योंकि जो जो मेट्रो प्लान्स में है कि बीच सिटी में स्टेशन वगैरह बनाएंगे, तो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, ऐसी ऐसी जगह पे भी उन लोगों को स्टेशन बनाना है, पर अब भगवान जाने कहाँ ही बनाएंगे। भाई गाड़ी 100 तो ऐसे टच करती है, पता ही नहीं पड़ता है कि अपन 100 की स्पीड पे चल रहे हैं।
पावर तो बहुत है गाड़ी में, बट हम अपनी स्पीड मेंटेन करके ही चलते हैं किसी भी गाड़ी पे। मेरे को बहुत ज़्यादा फास्ट चलाने की आदत नहीं है, मैं अधिकतर स्लो ही चलाता हूँ और बहुत कंफर्टेबली अपनी राइड करता हूँ। मैं बस पावर चेक करने के लिए थोड़ा स्पीड थ्रॉटल दे रहा था। इंदौर से उज्जैन का जो रास्ता है वो तो पूरा सीधा ही है, गूगल मैप की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी। इतनी बार चले गए हैं कि अब तो रास्ता याद हो गया सारा। अभी इस गाड़ी पे थोड़ा यूज चलाने में यूज़ टू होने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं इससे पहले कहीं लेके नहीं गया हूँ गाड़ी को हाईवे पे, और मेरे को अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है गाड़ी चलाने में। हालांकि कोई मैं इससे पहले बाइक चलाता था वो भी 350cc थी, और हाईवे पे मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, तो कुछ टाइम लगता है यूज़ टू होने में। थोड़ा टाइम, एक दो राइड बड़ी होगी उसके बाद हाथ जम जाएगा गाड़ी पे, तो चलाने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इसके कारण मैं थोड़ा सा धीरे ही चला रहा हूँ इसको। और ये एरिया ऐसा ही है, देखो सब सांप की तरह कहीं से भी घूम जाते हैं, सब सांप की तरह कहीं से भी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये देखो, दिखा कैसे डिवाइडर से कूदते हैं यहाँ पे लोग। और ये इशू पता है एमपी में ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एमपी में हाईवे टच काफ़ी सारे गांव आते हैं, तो जो यहाँ के लोकल लोग रहते हैं वो अब इतना घूम के तो आएंगे नहीं, तो यहीं से ही कूद जाते हैं। गाड़ी की रेंज अभी बता रहा है 104 किलोमीटर, मतलब अभी 104 किलोमीटर जितना फ्यूल और है बाइक में, तो मैं सोच रहा हूँ मैं आके रिफ़िल कराऊँ फ्यूल। देखते हैं रास्ते में कोई पेट्रोल पंप अभी दिख जाएगा तो अभी फ्यूल अप करवा लेंगे। 20 किलोमीटर और है यहाँ से उज्जैन। अब ये तो पता नहीं हम कौन सी जगह, कौन सी प्लेस तक पहुँच गए हैं, ये कौन सा गांव है या कौन सी जगह है। हेलमेट पहन लो भाई, हेलमेट बहुत ज़रूरी है सिटी में, पहनो ना पहनो हाईवे पे ज़रूर पहनो हेलमेट इफ पॉसिबल। सिटी में भी पहनो लेकिन हाईवे पे तो पहनो ही पहनो। फिलहाल हम लोग खड़े हैं एक महाकाल मंदिर की पार्किंग में, जहाँ पे पीछे सारी कार पार्क है और यहाँ पे अपनी पार्क है बाइक। और ये अपने आदेश भैया हैं, अपन को मिल गए थे और भैया ने कहा हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क करवा दी, जहाँ पे एक भी बाइक नहीं खड़ी हुई है। तो कोई भी अगर वीडियो देख के आए महाकाल मंदिर और पार्किंग में आए तो आदेश भाई को अपनी तरफ से हेलो ज़रूर बोलना। थैंक यू आदेश भाई, जय महाकाल। टाइम हुआ है 11:41, काफ़ी लेट हो गए यहाँ पे, क्योंकि जो महाकाल लोक नया बना है वो बहुत ही सुंदर है, एक ना एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। जय महाकाल। आदेश भैया जय महाकाल। दर्शन हो गए महाकाल राजा के बहुत अच्छे से, और महाकाल लोक भी घूमा, मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको हैट्स ऑफ है, क्योंकि इस बहुत ही सुंदर बनाया है पूरा महाकाल लोक। महाकाल लोक बनने के बाद और रश हो गया है यहाँ पे। बनने के बाद महाकाल मंदिर की जो एंट्री है वो ये वाला जो अपन ब्रिज उतरते हैं, उतरते से ही बस ये यहाँ से एंट्री कर दी है।
अब आपको इतना ज़्यादा घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे पार्किंग भी है सामने, यहाँ पे टू व्हीलर पार्किंग है और यहीं से महाकाल लोक की एंट्री है। यहाँ से चलना है अपन को राइट। बहुत दिन बाद देखने को मिले ऊँट, आजकल देखने को ही नहीं मिलते हैं, जब छोटे थे तो बहुत दिखते थे। ओ कौन सा ये रेस्टोरेंट, गुरु कृपा रेस्टोरेंट। भाई आजकल सभी अपने रेस्टोरेंट का नाम गुरु कृपा रख रहे हैं, क्या बात है। कुछ खाते हैं यार फिर जाते हैं घर। हीरो होंडा हंक्स आया करता था मैं महांकाल, अब आया हूँ BMW पे। महांकाल राजा ऐसे ही कृपा बनाए रखना।